कॉरपोरेशन तंजीमी इत्तेहाद की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी आवाज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचाई है। आज फिर हम अपने सहाफी हजरात को जहमत दे रहे हैं कि हमारे एहतजाज को आज 12 यौम हो चुके हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मजदूर दुश्मनी और हर धर्मी की वजह से मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से और पेंशन से महरूम हैं और इस क़यामत खेज महंगाई में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो मुसीबतें गुजर रही हैं इनसे आपको आगाह करना है। मोजिज साफी हजरात, हमारे मुस्तकिल और आर्जी मुलाजमीन पर जो मुसीबत गुजर रही है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं। हमारे हुक्मरान तबका ख्वाब खरगोश की मानित सो रहा है। तकरीबन 12 साल होने को है कि नाम की हद तक तो क्वेटा शहर को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दिया गया है, लेकिन मारात आज भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल रही है। आज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेहनतकश मजदूर गंभीर हालात होने की वजह से अपने इस इदारे को बचाने की कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, खास करके आर्जी मुलाजमीन जो कि अपने मेहनत व मुशक्कत से कलील तादाद में होते हुए क्वेटा शहर की आबादी 35 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी को शबरोज सफाई मुहैया करते हैं, जबकि इनकी उजरत LCGC कमेटी की वजह से तखीर का शिकार है। मौजूद साफी हजरात, 10 सालों से क्वेटा मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी, इसकी बुनियादी वजह फाइनेंस डिपार्टमेंट और LCGC कमेटी है। तंजीम हाजा ने क्वेटा शहर के मफाद को मद्देनजर रखते हुए संती अमन को हमेशा तरजीह दी है और इस इदारे की तमीर व तरक्की के लिए नाकाबले फरामोश करदार अदा किया है। मोजिज सहाफी हजरात, आज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ साथ पूरे बलूचिस्तान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और 10 टाउन कमेटियों के साथ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट और LCGC कमेटी का नारवा सलूक नाकाबले बर्दाश्त है। बलूचिस्तान के हालिया मजदूर तारीख में 15% डिस्पेरिटी अलाउंस और 10% जो के बजट में मंजूर हुआ है, अब तक लोकल गवर्नमेंट के ज़ैली इदारों के मुलाज़मीन को महरूम है इस अलाउंस से। फिनांस पिछले 8 सालों से कंटीजेंसी अलाउंस पूरे बलूचिस्तान के म्यूनिसिपल इदारों को फराहम नहीं कर रहा, जो आज दिन तक इनकारी है। मौजूद साफी हजरात, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बड़े भाई होने का हक अदा करते हुए जद्दोजहद शुरू की है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पूरे बलूचिस्तान के म्यूनिसिपल मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़राए आमदन के नामालूम वजूहात की बिना पर दूसरे इदारों को म्यूनिसिपल फंक्शंस दिए जा रहे हैं, जिनकी मिसाल फूड अथॉरिटी है और जबले नूर पर QDA नजायज तौर पर म्यूनिसिपल फंक्शन के नाम पर गैर कानूनी टैक्स वसूल कर रही है, जो कि इंतहाई काबिले मज़म्मत है। ग्वादर में भी GDA भी जो है म्यूनिसिपल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, काबिले मज़म्मत है। हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं मौजूद साफी हजरात, रिटायर और फौजशुदा होने वाले मुलाजमीन को इनके बकाया जात की अदायगी फाइनेंस डिपार्टमेंट और LCGC कमेटी की वजह से तखीर का शिकार है। पेंशनर्स की अदायगी तखीर का शिकार है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐद होती है। तमाम आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल और इनकी तनख्वाहें हुकूमत की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 20,000 किया जाए। मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पढ़े लिखे नौजवानों को तालीम की बुनियाद पर तरक्कियां दी जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सर्विस को रिस्ट्रक्चर किया जाए
मुलाजमीन को अपग्रेड किया जाए। मोजिस साफी हजरत, हम वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और दीगर आला अकवाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे जायज मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो तंजीम हज़ा बलोचिस्तान के भर के लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन मुश्तरका तौर पर अपने जायज मुतालबात के हसूल के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट और सूबाई दारुल हुकूमत की मेन शराओं पर अपने बच्चों के साथ एहतजाजी धरना देंगे। रूम तबके के आवाज को जो है ना ऐवान तक पहुँचाया है, उसके साथ साथ में अपने हमारे जो दूसरे साथी है लोकल काउंसिल ऑफिसर एसोसिएशन के जो हाफिज़ मुनीर साहब हैं और आनान मंदोखेर साहब उनके जनरल सेक्रेटरी साहब हैं कि उन्होंने हमारे साथ पूरे बलूचिस्तान लेवल पर इसमें एहतियात किया हुआ है और बाकायदा हमारे साथ एहतजाज में ये शामिल है तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी सर, आप साफ़ी हज़रात ने अगर कोई सवाल करना है, एक तो आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने पढ़ ली है, ठीक है। ख़ासकर इसमें जो हमारे मुतालिबे हैं, इसमें मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हम पे ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है या हमारा कोई मसला है या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आपको फंड नहीं दे सकते हैं। ये फंड हमें फेडरल गवर्नमेंट दे रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जब ये ज़िलाई हुकूमतों को ख़त्म किया गया, ज़िला टैक्स को ख़त्म किया गया, तो उसके एवज में GST को थ्रू आउट पाकिस्तान इम्पोज किया, उसके तहत हमें जो है ना बाकायदा गवर्नमेंट ने शेयर दें वो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देती है, जो कि फर्दर फिर जो है ना जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है म्यूनसिपल फंक्शन है उनको जो है ना उस हिसाब से उस शेयर के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब हमें ये पता नहीं चल रहा है, आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी तरीके से इलम भी है कि आज से 2 महीने पहले इसी रोड पर हम थे, हाफ थे, यही हमारा एहतजाज था, गाड़ियां खड़ी थी, सब कुछ खड़े थे, यही हिसाब था, यही हमने कहा कि भाई हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं। पता नहीं इनकी क्या वो है, सोच है, क्यों जो है ना मज़दूर तबके को या कॉरपोरेशन से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ये धकेल रहे हैं कि भाई ये जो है ना एक तरफ हो जाए और ये काम ना करे। भाई हम काम करना चाहते हैं, हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन उसके बस हमारा एक सिलसिला है, एक गवर्नमेंट के साथ हमारी सैलरी है, हमारे बेनिफिट्स है, हमारे अलाउंसेस हैं। महंगाई का रेशो आप देखें, उस तसलसल को देखें, ये कुछ ना ही उन्होंने कोई तनख्वाहों में इजाफा किया, ना हमें कुछ उस सिलसिले में दिया। रह गया तनख्वाह, तनख्वाह तो मुलाजिम का बुनियादी हक है, अगर वो सुबह सवेरे घर से निकलता है तो इसी सहारे पे कि उसको तनख्वाह मिल जाए, उसके बच्चों का रोजी का मसला हल हो। अगर ये तनख्वाह भी आप उसको नहीं देते हो तो फिर किस चीज़ का सरकार है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, किस चीज़ का गवर्नमेंट है। हमें इससे तसली दी जा रहे हैं कि भाई हम इक्तदार में आके जो है ना आवाम के लिए ये सहूलतें पैदा कर देंगे, फलां कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तनख्वाह 2 महीने के बाद आज हम फिर आके उसी स्टेज पे खड़े हैं कि भाई हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। मैं इस बात को शोर करना चाहता हूँ, बावर कराना चाहता हूँ कि जब तक ये तनख्वाहों और कंटिजेंसी का मुस्तकिल तौर पर ये लोग हल नहीं निकालते, किसी सूरत भी हम पीछे नहीं हटेंगे, इस एहतजाज से जारी रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो, जेलों में भी जाएंगे, खेत भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे, जो हमसे हो सका वो हम करेंगे। हम इनको बताएंगे कि मजदूर तबका क्या कर सकता है, म्यूनसिपल ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने इस अदारे को। दूसरी बात ये कि रिस्ट्रक्चरिंग का हमारा मसला है, 70,000 की आबादी के लिए शहर को तरतीब दिया गया था, म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को कॉरपोरेशन बनाया गया, उस कमेटी में जो स्ट्रेंथ दिया है एम्प्लॉयज़ का, मुलाजमीन का, आज भी वही है, कोई उसमें इसको इन लोगों ने इनको बढ़ाया नहीं है। फिर इसको कॉरपोरेशन का दर्जा दिया, इनको चाहिए था कि इसको रिस्ट्रक्चर करके कॉरपोरेशन के हिसाब से इसको डेवलप करता, ताकि हम उस आबादी के उस हिसाब से टैकल करते हैं उस प्रॉब्लम को, वो भी नहीं किया। फिर इनका दिल चाहा 2010 में इन्होंने सिस्टम डिसेंट्रलाइज हुआ तो इन्होंने इख्तियारात निचली सतह तक दे दिए, कहा कि नहीं हम इसको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है ना बनाते हैं। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हम बार बार इनको कहते हैं कि आप कराची को देखो,
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर देखो, आप हैदराबाद देखो, वहाँ पर किस तरह का सिस्टम है, कम से कम उनसे देख कर बना लो अगर तुम खुद नहीं बना सकते हो। इस पे हमारे एलसीएस वाले भाई हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस पे काम किया हमारे साथ, हम लोगों ने पूरा सिस्टम तरतीब दे दिया जो एक मेट्रो का होना चाहिए था। अब होता ये कि फिर मैं उसी बात पे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसे नहीं दे रहे, हम अपने अगर क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट है, या हम जो है ना और पोस्टें मजीद बनाते हैं, कॉरपोरेशन अपने अखराजात एक्सपेंडिचर खुद बर्दाश्त करता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम पे कोई एहसान नहीं है, न वो हमें दे रहे। स्ट्रक्चर सारा बन गया, डेवलप्ड हो गया, तरतीब हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने रखा हुआ है, सेक्रेटरी फाइनेंस करते हैं, नहीं हम इसको फेजेस में करेंगे, दो आदमी अभी करेंगे, दो फिर दो साल बाद करेंगे, दो फिर चार साल बाद करेंगे, पता नहीं फाइनेंस सेक्रेटरी मांगता क्या है या इसका मसला क्या है कि भाई ये सरकारी अदारे को बनाने में किरदार अदा करने के बजाय उसको नाकाम करने पर तुला हुआ है। मैं यही गिला प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई ऐसा खुद सर डिपार्टमेंट नहीं है कि वो अपने से वजूद में वो खुद पे फैसले तमाम वो कर दें, पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सिस्टम है, सिस्टम क्यों जो इस तरह है, क्यों इस तरह नाइंसाफी हो रहे हैं, मेट्रो के साथ हो रहे हैं, एलसीएस के साथ हो रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद फिर सिस्टम को ये लोग सिर्फ ये हमारे एम्प्लॉयज है, अभी देख ले, मैं कहता हूँ तमाम अफसरान से कि भाई आज हम दो दिन से, अब तक हम एहतजाज कर रहे थे, दो दिन से हमारा एहतजाज थोड़ा सा बढ़ गया, अब भी आप शेर की हालत को जाकर देखें कि किस पोजीशन पर है, और आप जो है इस तरह के इल्जाम लगा रहे कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज ये काम नहीं करते, ये नाहल है, और ये इस चीज पे आके बैठे हुए हैं जैसे शिकारी हैं कि भाई कॉरपोरेशन को हम किस तरह तोड़ फोड़ के शिकार करें, एक शोभा फूड को दे दो, एक शोभा वासा को दे दो, दूसरा शोभा अभी नया बिल्डिंग अथॉरिटी बना रहे उसको दे दो, फला उसको दे दो, तो फिर ये कॉरपोरेशन क्या खाली एक सैनिटेशन का नाम कॉरपोरेशन है? ये जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, ये नुमाइंदे आएंगे, ये हिसाब किताब होगा, इनका ताल्लुक सिर्फ इस हद तक होगा। कानून के अंदर 140 ए आईनी शिक है, आईन को कोई भी एक्ट उसको सुपरसीड नहीं कर सकता, ना उसको चैलेंज कर सकता है। वो वाजे तौर पर ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी दूसरे इख्तियार है, वक्त के साथ साथ वो तमाम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मकामी जिलाई हुकूमतों को दिए जाएंगे, मगर इधर सिस्टम आइन से अटकर एक्ट बनाया जा रहे, इख्तियार तमाम जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दो, कोई मखसूस सेक्रेटरी को दे दो, कोई फलाना उसको। हम ये समझते हैं अगर हमारे अफसर ठीक नहीं चला सकते तो मैं डायरेक्ट कहूंगा तो फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी नहीं चला सकते, अगर हमें ईमानदार नहीं है तो वो भी ईमानदार नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये इनका ये मसले, ये जानबूझ कर प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट किया, इशू इतना इशू नहीं है। अच्छा फिर मैं आपको बताऊं, इस टाइम पर जो हमारे ये इत्तेजाज चल रहे हैं, हमने कोई इनसे डेवलपमेंट स्कीम नहीं मांगे हुए, हमने नहीं कहा कि हमें पैसे दे दो तरक्याती काम करने, हमने फला करने, हमने सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह, कंटीजेंसी और फ्यूल। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं काम करता भी हूँ, आज ये दो दिन से जो पेट्रोल पंप हमें फ्यूल दे रहे हैं, उन्होंने हमें इनकार कर दिया कि भाई हम आपको फ्यूल नहीं देंगे, अगर वो फ्यूल नहीं देंगे तो हम तो हड़ताल तोड़ भी दे फिर भी ये सिस्टम तो रुक गया। अब ये रिस्पांसिबिलिटी किस पर है? ये जिम्मेवारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर है, ये जिम्मेवारी मिनिस्टर फाइनेंस पर है, ये जिम्मेवारी सेक्रेटरी फाइनेंस पर है कि भाई आप जो है ना कंटीजेंसी और जो अमाउंट है ये फ्यूल की मद में, सैलरी की मद में, थ्रू आउट बलूचिस्तान नॉन डेवलपमेंट बजट की हम डिमांड करते हैं कि वो आप हर सूरत पर पूरे साल के लिए पास करेंगे, हम हर दो महीने के बाद न एहतजाज करेंगे, न हो सकता है
ये मसला बुनियादी बेसिक तौर पर हल करो। रह गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में आप लोगों ने जो करना है वो करो। जो हमारा हमारा काम ये है लोकल गवर्नमेंट का कि हम अपने सोर्स खुद तलाश करें और हम ऐसे जगह पे स्टैंड लगाते हैं जहाँ पे आवाम के लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर एक्स्ट्रा कोई ऐसा है आपके नज़र में, हम बिल्कुल उसके खिलाफ स्टेंगे और वो गैर कानूनी हुए, शायद वो हमें पैसे भी नहीं दे रहे हो, इस तरह लोगों ने लगा लिए इंतजामिया इसमें हमारी मदद का। अभी हम इंतजामिया को लिख के दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ खराब है, आप निशानदेही कर दें। जिना रोड पे हम लोगों ने इस स्टैंड को रोक लिया था कि हम नहीं करेंगे, यही आपके शॉपकीपर है कि हम कहाँ जाए। हमने उनसे ये कहा कि आप अपनी तरतीब से खड़ा करो अपने साइकिलों को और मोटरसाइकिलों को। उन्होंने ना पब्लिक को रोक सके ना अपना वो कर सके, मजबूरन हमने वहाँ पर उसको तरतीब से स्टैंड का ये मतलब ये फायदा भी तो होता है कि भाई उसको लेन से खड़ा करो, जो ट्रैफिक जा रहा है उसका फ्लो रोके नहीं, वो अपने तरतीब से चले और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे। अगर कोई जगह तंग है उससे प्रॉब्लम है तो हम उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, आप निशानदेही कर दो। सर ये ऐसा है कि थ्रू आउट बलूचिस्तान हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम अब तक ये कोशिश करते आ रहे हैं कि इंतजामिया जो है ना वो उसमें आके काम लेगा और इस जायज मसले को हल कर देगा। अगर वो इस चीज पे गौर ही नहीं करते, कोई गौर वोज नहीं करते, तो फिर उसके बाद लाजमी बात है हमारा जो प्रोटेस्ट का तरीका होगा वो हम लाइमद तय करेंगे। उसमें हम आप साफी हजरात को बिल्कुल एतमाद में भी लेंगे, आपको बताएंगे कि अभी हमने क्या करना है उसको।